guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video is dedicated to all my male subscribers specially. But इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां यहीं से skip कर लेंगी, because this is going to be helpful for you as well. Actually मेरे काफी सारे friends मुझे message करके बोलते हैं कि यार कभी हमारे काम की भी कोई tips बता. So here I am with a few skin care and hair care tips for men. So without wasting any more time, let's get into the video. अक्सर बॉयज की शिकायत रहती है कि हमें बाहर जाना पड़ता है धूप में, पॉल्यूशन में, इसलिए हमारी स्किन खराब हो गई, हमारे बाल खराब हो गए, या फिर ये कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी केयर कर सकें. बट नाउ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपको कहीं बाहर धूप में नहीं जाना है, पॉल्यूशन भी काफ़ी कम हो गया है, ये हम सब जानते हैं. और रही बात टाइम की, तो अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, अनलेस यू आर अ डॉक्टर और एनी हेल्थ वर्कर. So now is the time to start taking care of your skin and your hair by following these simple tips. Tip number one. इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम है जो आपको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना है. आपको करना क्या है, सुबह उठकर ब्रश वगैरह करने के तुरंत बाद एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड करके उसको मिक्स कर लेना है और खाली पेट इस पानी को पीना है रेगुलरली. ऐसा करने से होगा ये कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्ने एंड पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी. टिप नंबर टू, फेस पैक फॉर क्लियर स्किन. सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें डिफरेंस समझना होगा क्लियर स्किन और फेयर स्किन के बीच. क्लियर स्किन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से काले से गोरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में हमें बचपन से गोरा काला ये सब इतना सुनने को मिलता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ चुका है कि गोरा मतलब सुंदर और काला मतलब बदसूरत, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसलिए मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि यार हम काले से गोरे कैसे हो सकते हैं. एंड आई थिंक एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन स्किन कलर, बट हमारा एक्चुअल स्किन कलर धूप एंड पोल्यूशन की वजह से डल हो चुका है, जिसको हमें मेंटेन करना है. उसके लिए हमें करना क्या होगा, बनाना होगा एक फेस पैक. फेस पैक के लिए हमें चाहिए एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी और एक से दो चम्मच गुलाब जल. एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन यू ऐड गुलाब जल, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप गुलाब जल की जगह एक से दो चम्मच दूध या दही ऐड कर सकते हैं. अब इसे मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, अपने फेस पे लगाइए, 10-15 मिनट सूखने दीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से धो लीजिए. ये फेस पैक आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है एंड इसके रेगुलर यूज से आप 1 से 2 हफ्ते में रिजल्ट्स क्लियरली देख सकेंगे. टिप नंबर 3, गेट रिड ऑफ डार्क लिप्स. डार्क लिप्स लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिप्स के डार्क होने के पीछे रीजन कुछ भी हो, लोग आपको शक के नजरों से ही देखेंगे कि जरूर ये बंदा सिगरेट पीता होगा इसलिए इसके लिप्स डार्क हो रखे हैं. अब चाहे वो सिगरेट की वजह से हो या पोल्यूशन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन इससे भी छुटकारा आप पा सकते हैं. आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, पहला लेमन और दूसरा शुगर. आपको करना बस इतना है, लेमन के एक स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा शुगर लेना है और उससे अपने होठों को स्क्रब करना है. ज़्यादा हार्श नहीं होना है, बट सॉफ्टली सॉफ्टली अपने होठों को स्क्रब करना है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स. फिर 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद अपने होठों को ठंडे पानी से धो लीजिए एंड दैट्स इट. ये काम आपको डेली करना है रेगुलर एंड विद इन 2 to 3 वीक्स आपके लिप्स का कलर लाइटन होने लगेगा. टिप नंबर 4, बेसिक हेयर केयर टिप्स. अब बालों को लेकर लड़कों की मेजरली 2 प्रॉब्लम्स रहती हैं. पहली ये कि बाल रूखे सूखे और बालों की शाइन चली गई है, एंड सेकेंड बालों में डैंड्रफ हो गया है. तो बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की. पहली प्रॉब्लम का सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि बाल रूखे सूखे हुए क्यों हैं, बालों की शाइन गई क्यों है, जिसका मेनली रीजन ये रहता है बालों को प्रॉपर नरिशमेंट ना मिल पाना. इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने बालों में वीक में 2 से 3 टाइम्स ऑयलिंग करनी ही करनी है. बालों को ओवर शैम्पू नहीं करना है, डेली शैम्पू करना या फिर हफ्ते 2 हफ्ते तक शैम्पू ना करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. 2 से 3 बार बालों को वीक में शैम्पू करना है, प्लस 2 से 3 बार बालों की ऑयलिंग करनी है. इसके अलावा अगर आपकी आदत है थोड़ी थोड़ी देर बाद कंघी निकाल के बाल सेट करने की, या फिर जितनी बार भी हाथ धोएंगे गीले हाथों से अपने बाल सेट करने की, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज इन सब की वजह से भी बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं.
अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, विच इज डैंड्रफ। डैंड्रफ खत्म करने के लिए आपको चाहिए या तो नींबू का रस या फिर दही। करना बस इतना है कि जब भी आप बाल धोने जा रहे हो उससे आधा एक घंटा पहले अपने बालों के स्कैल्प पे नींबू का रस या फिर दही की अच्छे से मसाज करनी है। इसको मसाज करने के बाद 15-20 मिनट रहने देना है और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप वीक में 2 से 3 बार जितनी बार भी शैम्पू करते हैं, आपको शैम्पू से पहले दही या फिर नींबू के रस की मसाज अपने स्कैल्प पे करनी ही है। रेगुलर यूज से आपका डैंड्रफ धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। टिप नंबर 5, नाइट केयर रूटीन। डू नॉट फॉरगेट टू वॉश योर फेस बिफोर गोइंग टू बेड। अपनी आदत बना लीजिए कि सोने से पहले किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके ही सोना है। एंड दैट्स इट। सो या दीज वर द सिंपल स्किन केयर एंड हेयर केयर टिप्स विच कैन बी यूज बाय बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सी टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही। एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.